हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रैंड टाइटन नियोस के स्पीकर्स को लेके है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें लोग कार के स्पीकर्स चेंज करवाते हैं। वो शुरू में दिखा देते हैं कि कौन सी कंपनी का स्पीकर लगा रहे हैं, और स्पीकर लगाने के बाद वो आपको उसकी टेस्टिंग दिखा देते हैं, लेकिन बीच का प्रोसेस कैसे होता है वो सब कोई नहीं दिखाता। आप देख सकते हैं इस तरह से सामान सजा रखा होता है गाड़ी के बोनेट के ऊपर या फिर गाड़ी के आगे, और बोलते हैं कि भाई हम आज म्यूज़िक सिस्टम लगा रहे हैं या आज हम स्पीकर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल होता भी है, स्पीकर्स इंस्टॉल होते भी हैं, लेकिन उसके बाद वो बीच का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। बस बाद में जाके टेस्टिंग दिखा देते हैं कि भाई जिस कंपनी के स्पीकर लगाए थे ये इनकी आउटपुट है और ये इतने अच्छे हैं और आप भी लगाओ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैं जो स्पीकर यूज़ करने जा रहा हूँ वो क्या आपको कंपनी में लगा इस गाड़ी में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाने चाहिए तो क्या आप खुद लगा सकते हो या फिर आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। तो मैंने यूज़ किए ये निपॉन कंपनी के स्पीकर्स, ये 6.5 इंच के स्पीकर्स हैं। मैंने ये सितंबर महीने में ही खरीद लिए थे अपने म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक सिस्टम के लिए, लेकिन सोचा कि आज क्यों ना इनको गाड़ी के साथ लगा के देखा जाए, गाड़ी में फिट करके देखता हूँ कि इनकी आउटपुट कैसी है। और 200 वाट के स्पीकर हैं ये, लेकिन लिक्विड तो कुछ भी देते हैं, ये एक साल की वारंटी भी मिलती है, लेकिन एक्चुअल पता तो म्यूज़िक चला के ही पता चलती है कि भाई म्यूज़िक कैसा है, इसका आउटपुट कैसी है इसकी। तो वो सब आज चेक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं गाड़ी में लगा के देखूं। और जो इसके ओरिजिनल स्पीकर्स हैं मैंने उसकी वीडियो अभी तक देखी नहीं कि भाई वो ओरिजिनल स्पीकर्स हुंडई ग्रैंड टाइटन नियोस में किस तरह के स्पीकर्स दे रखे होते हैं। तो सोचा कि क्यों ना मैं आज उसका भी रिव्यू देख लूँ कि वो दिखने में कैसे लगते हैं और वो है कैसा, उसकी क्वालिटी अच्छी है या इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं आपको दिखाऊंगा आज की हुंडई के ओरिजिनल स्पीकर्स कैसे हैं और जो ये वाले स्पीकर्स हैं वो कैसे हैं। ये जो स्पीकर्स हैं ये अमेजोन पे भी मिल जाते हैं, अलग अलग प्राइस है, 1100 से लेके 2500 तक के प्राइस में ये मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ये 1000 रुपये में चंडीगढ़ की लोकल मार्केट से खरीदे थे, सेक्टर 28 की मार्केट से। तो ये इसका वारंटी कार्ड है और एक साल की वारंटी है, ये होशियार रेडियो से मैंने ये 28 सेक्टर में खरीदे थे ये स्पीकर्स। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आते हैं ये स्पीकर्स। ग्रिल बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर को देखो तो इसका कोन जो है वो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, प्लास्टिक होना, और स्पीकर जो मैग्नेट है मैग्नेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो स्पीकर ये चेंज करने के लिए मैंने चूज़ किया JMC कारवर्ड, ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी ज्वाला जी रोड पर एक नैनपुखर में छोटे से टाउन में है। तो यहाँ पे काम जो है वो बहुत तसल्ली से होता है और अच्छे तरीके से होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती, और यहाँ के प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जेन्युइन प्राइस है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे लूट लिया। और यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये इसे खुले हुए एक साल हुआ है अभी, और यहाँ पे रश देख सकते हो आप किस तरह से है, 3 से 4 गाड़ियाँ जो वो हर टाइम खड़ी रहती हैं। स्पीकर खोलने के लिए आपको जो डोर है, डोर का जो अंदर का प्लास्टिक है वो इस तरह से खोलना पड़ता है, पहले कुछ ये एक नट यहाँ पे होता है, इसमें सिर्फ 2 ही नट होते हैं खोलने के लिए, एक नट तो आपने पहले देखा और जो दूसरा नट है वो यहाँ पे है जो खोला जाता है। इन 2 नट को खोलने के बाद फिर नीचे की तरफ जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में छोटा सा होल दे रखा होता है, उस होल में पेचकस फंसा के बाहर की तरफ थोड़ा जोर लगा के खींचना होता है, तो इसके जो लॉक्स हैं वो खुल जाते हैं और जो आपका अंदर का जो प्लास्टिक वाला पार्ट है डोर का वो आपका निकल के बाहर आ जाता है। तो उसके बाद भी फिर अंदर 2 कनेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है जो पावर विंडोज़ का है उसका प्लग अनप्लग करना होता है, और जो हम लॉक अनलॉक करते हैं डोर खोलना हो तो उसके लिए जब हम डोर को ओपन करते हैं तो उसमें 2 कनेक्टर होते हैं, ये तो ये दोनों आपको निकालने होते हैं। तो इजी प्रोसेस है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप घर में खुद नहीं कर सकते, अगर घर में खुद करोगे तो क्या पता प्लास्टिक डैमेज कर दो या कोई वायर जो है उसको डैमेज कर दो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको मार्केट में स्पेशलिस्ट से ही जाके करवाएं। और दूसरा, अगर आप स्पीकर चेंज करते हो तो स्पीकर भी आप इसके खुद चेंज नहीं कर सकते हो, वो भी आपको स्पेशलिस्ट से ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं इसके जो फिट कर रखे हैं वो इस तरह से, इस तरह के जो स्पीकर्स हैं वो ग्रैंड टाइटन नियोस में आपको मिलते हैं। और ये 2 कनेक्टर जो मैंने बताया आपको जो रिमूव करने होते हैं, नीचे इसका पावर विंडोज़ का मशीन दे रखी है, ये प्लग जो है वो अनलॉक करना होता है, यहाँ पे इसके कनेक्टर्स लगा रखे होते हैं, ये वायर जा रही है। तो इस तरह से कुछ खोलने के बाद नज़र आता है आपको डोर इनसाइड से, और ये प्लास्टिक का एक कवर सा लगा रखा है जो हल्की क्वालिटी का नज़र आता है। स्पीकर इस तरह से मिलते हैं आपको, और जो स्पीकर की जो अंदर का जो गोल वाला प्लास्टिक का है जो कैबिनेट है स्पीकर की, वो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि
वो कंबाइंड होती है और उसे अलग किया तो स्पीकर जो वो डैमेज हो जाएगा। हुंडई कंपनी जो है वो एक अच्छी क्वालिटी के स्पीकर देती है मोस्टली। जो यहाँ पे जो भाई साहब काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि बोश कंपनी के स्पीकर्स होते हैं। तो आप ये सामने प्लास्टिक भी देख सकते हो, यहाँ पे मुझे डैम्पिंग कराने की ज़रूरत है, मैं डैम्पिंग कराऊंगा। यहाँ पे मुझे बताया है कि एक डोर पे 1000 से 1100 रुपये तक की डैम्पिंग हो जाती है, तो मैं वो बाद में देखूंगा, लेकिन पहले ये स्पीकर्स हैं तो स्पीकर्स चेंज कर रहे हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। इसके जो स्पीकर्स हैं वो आप खुद रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नट बोल्ट नहीं दे रखे होते, कुछ इस तरह की पिन दे रखी होती है जिससे ये अटैच किए होते हैं। और ये जो नंबर प्लेट होती है जिसको जिस पिन से अटैच किया जाता है उसी पिन से इसको भी अटैच किया जाता है, तो हुंडई पक्का काम करके देती है। और इसे चेंज करने से कोई वारंटी वगैरह का इशू नहीं आता है, आप रिप्लेस करा सकते हो। मैंने रिप्लेस कराने के बाद यहाँ पे नट बोल्ट ही लगवाए हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे अगर कोई अच्छी कंपनी के स्पीकर लगाने होंगे तो फिर वो मेरे लिए ईजी रहेगा, मैं खुद भी रिप्लेस करा सकता हूँ। तो ये जो पिन है ये खोलने के लिए ड्रिल का यूज़ किया जाता है, बिना ड्रिल के ये खुलते नहीं है पिन्स। अगर आप घर में खुद ट्राई करते हो तो आप स्पीकर डैमेज कर सकते हो। और ये जो स्पीकर्स है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने अभी जो डिसीज़न है वो वापसी में चेंज करने का कैंसिल कर दिया था। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद, स्पीकर निकालने के बाद कुछ इस तरह का स्पीकर है ये ग्रैंड टाइटन नियोस का। ये ओरिजिनल स्पीकर है, दिखने में तो लुक वाइज कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। याद रखना स्पीकर की जो क्वालिटी है वो कॉयल के ऊपर डिपेंड करती है, अगर जितनी अच्छी कॉयल होगी, ब्रांडेड कंपनी की कॉयल होगी, उतने ही अच्छा स्पीकर बजेगा। और स्पीकर की जो क्वालिटी है वो कोन के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसका तो कोन पेपर का दे रखा है लेकिन इसके साथ अगर प्लास्टिक का कोन दे रखा होता तो शायद इसकी क्वालिटी और भी अच्छी होती। और मैग्नेट इसका छोटे साइज़ का है, जितना वेट जो स्पीकर मैं चेंज करने जा रहा हूँ उसका है उससे कम वेट में है ये। और ये पूरा का पूरा प्लास्टिक एक साथ रहता है, ये अलग नहीं होता। अगर आप अलग करने की कोशिश करोगे तो ये स्पीकर आपका डैमेज हो सकता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये स्पीकर लगाने के बाद। मैंने जब इस स्पीकर को लगाया और इसकी क्वालिटी चेक की तो इसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी थी और मुझे लगा कि मेरा ये गलत डिसीज़न था स्पीकर चेंज करना। तो मैंने वापसी में ओरिजिनल स्पीकर ही अपने लगाए और जो ओरिजिनल स्पीकर थे फिर मैंने उनमें नट बोल्ट के साथ ही टाइट करवाया क्योंकि मैंने फ्यूचर में जो स्पीकर अगर चेंज करने हैं तो दूसरी कंपनी के चेंज करूँगा। मैंने जो गाना यूज़ किया था इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए वो गाना मैं आपको यहाँ पे चला के नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब जो है वो उस पर कॉपीराइट का क्लेम दे देता है एकदम से। तो मैंने फिर ये चेंज कर दिए स्पीकर पुराने वापस और मुझे भाई साहब ने रिकमेंड किया कि जो इन्फिनिटी JBL या फिर सोनी के स्पीकर्स हैं वही अच्छी कंपनी के स्पीकर्स हैं। इन्फिनिटी के स्पेशली मुझे रिकमेंड किए कि वही अगर आप 7-8 लाख की गाड़ी अगर यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये के स्पीकर यूज़ करो अगर आपको म्यूज़िक का अच्छा शौक है। अगर आप भी गाड़ी के स्पीकर चेंज करने की प्लानिंग करते हो तो एक तो आपको ये स्पेशलिस्ट से ही करवाना पड़ेगा और दूसरा एक अच्छी कंपनी के स्पीकर्स यूज़ करें। मैंने जो स्पीकर्स यूज़ किए थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे तो मुझे रोल बैक करना पड़ा अपना पुराने स्पीकर्स के साथ ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने कोशिश की आपको बताने की कि भाई आप क्या खुद स्पीकर चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आप खुद देख सकते हो कि आप स्पीकर्स चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो।